तो साहब, मैं हूँ देविका, आप सभी का स्वागत है टेस्ट ऑफ हर्ट में। तो आज दिल्ली का मौसम, बारिश चल रही है सुबह से, तो स्कूल कूल मौसम में बनाते हैं गर्मा गर्म चटाकेदार और बिल्कुल चटपटा चीजी मशरूम पास्ता। बिल्कुल सीक्रेट विधि से, मैंने कई जगह यहाँ पर कुछ सीक्रेट्स बता रखे हैं, इन सीक्रेट्स के साथ आइए वीडियो को फुल वॉच करते हैं। तो साहब, आज हम बनाएंगे चीजी मशरूम पास्ता। तो चीजी मशरूम पास्ता के लिए यहाँ पर जो मैंने पास्ता लिया है, ये फुल व्हीट और सेमोलिना यानी कि गेहूं और सूजी का बना हुआ है, तो ये हानिकारक नहीं है। तो यहाँ पर ये 400 ग्राम पास्ता है और इसमें लगने वाले इंग्रेडिएंट्स जो है, आइए मैं आपको उससे रूबरू करा देता हूँ। यहाँ मैंने 150 ग्राम करीब मशरूम जो है वो छोटे छोटे पार्ट्स में काट लिए हैं। यहाँ पर 4 से 5 हरी मिर्च, 4-5 लहसुन बड़े वाले, उसको बारीक एकदम फाइनली चॉप कर दिया है। 2 बड़े प्याज को चॉप कर दिया, 2 टमाटर, और यहाँ पर मैंने गाजर, 1 गाजर को फाइनली चॉप कर दिया है। आप चाहे तो और भी सब्जी जैसे कि बीन्स, मटर वगैरह आप डाल सकते हैं, पर मैं इतनी सब्जियों से ही चीजी मशरूम पास्ता बनाऊंगी। फिर मैंने यहाँ पर कुछ हरा धनिया काट लिया है श्रद्धा अनुसार। मैंने यहाँ पर चीज लिया हुआ है, मोजरेला चीज है, ये मेयोनीज है 2 चम्मच के करीब, मोजरेला चीज यहाँ पर 100 ग्राम करीब लिया है, और हाफ से भी थोड़ा कम टिक्की यहाँ पर मैंने मक्खन का लिया है। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, और यहाँ पर थोड़ी सी हल्दी ले ली है, और ये धनिया पाउडर ले लिया है, ये मिर्ची पाउडर ले लिया है, साथ में यहाँ पर सब्जी मसाला ले लिया है। आप चाहे तो गरम मसाला भी डाल सकते हैं। यहाँ पर कुछ मैं सॉसेस का प्रयोग करूंगी, यूज करूंगी, जैसे कि ये टमाटो सॉस है, ये पिज्जा पास्ता सॉस है, और ये सेजवान सॉस है। तो इन सॉसेस का प्रयोग करूंगी। तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं चीजी मशरूम पास्ता बनाने के लिए। गैस को करेंगे ऑन, और यहाँ मैंने 2 लीटर के करीब पानी लिया हुआ है। तो यहाँ पर एक चीज कहना चाहूंगी, ये जो पास्ता का पैकेट है ये कोई स्पॉन्सर्ड नहीं है, मैंने सिर्फ इसलिए दिखाया है कि ये वीट और सेमोलिना से बना हुआ पास्ता है, तो इसलिए आपको दिखाया है, ये कोई स्पॉन्सर्ड नहीं है। पानी में थोड़ा उबाल आ जाए फिर मैं पास्ता को डालूंगी। फिर मिलते पास्ता को डाल देते हैं। इसमें 1/2 चम्मच करीब नमक डाल देंगे, साथ में यहाँ पर 1/2 चम्मच करीब तेल डाल देंगे ताकि चिपके ना ये। अब इसे सिर्फ ट्रांसपेरेंट होने तक ही इसको बॉईल करेंगे, ज्यादा बॉईल नहीं करेंगे, नहीं तो ये टूट जाएंगे और चिपक जाएंगे आपस में। और ट्रांसपेरेंट तक बॉईल करने के बाद इसे फिर छन्नी में छानकर ठंडे पानी में हम धो लेंगे। तो साहब, यहाँ पर मैंने 5 से 6 मिनट उबाला है अच्छी तरीके से, और ये ट्रांसपेरेंट भी हो गया है और सॉफ्ट भी हो गया है। अब मैं इसे छानकर धोकर फिर मैं मिलती हूँ। लिया है और ये बहुत अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो चुके हैं और बिल्कुल खिले खिले हैं। तो इसी तरीके से पास्ता को उबाले, बहुत ज्यादा ना उबाले, सॉफ्ट होने तक उबाले, जो ट्रांसपेरेंट हो जाए बस निकाल दे पानी से। आइए अब पास्ता बनाते हैं। कढ़ाई गैस पर रख ली है और कढ़ाई भी गर्म हो चुका है, तो आइए सबसे पहले तेल डालते हैं। यहाँ पर हाफ से भी कम, 1/4 टिक्की मक्खन को डाल दिया है। यहाँ पर सबसे पहले हम डालेंगे लहसुन। अच्छा, इस पास्ते में अदरक का बिल्कुल भी उपयोग ना करें। डाल देंगे यहाँ पर हरी मिर्च, लहसुन को भी बहुत लाल नहीं करना है, बस इतना फ्राई करना है कि इसकी स्मेल जो है कच्चेपन की वो निकल जाए। तो यहाँ मुझे 2 मिनट हो चुके हैं और स्मेल अच्छी तरीके से निकल चुका है। अब आइए यहाँ पर प्याज डाल देती हूँ। साहब या बहन या फ्रेंड्स, जो भी हमारे चैनल को विजिट करते हैं,
प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी ये ज़रूर बताएं और बनाकर खाएं और अपना फीडबैक ज़रूर दें बिल्कुल इसी तरीके से। तो प्याज हमारा भून चुका है, अब यहाँ पर हम डालेंगे टमाटर। टमाटर डालते ही मैं यहाँ पर एक साथ ही स्वाद अनुसार नमक को ऐड कर दे रही हूँ। आप चाहे तो थोड़ा भी ऐड कर सकते हैं, टमाटर अच्छी तरीके से मैश हो जाते हैं। तो मैंने यहाँ पर स्वाद अनुसार नमक डाल दिया है। अब मैं इसे ढक्कन से ढक के 2 से 3 मिनट तक टमाटर पक जाने तक पकाऊंगी। यहाँ पर 2 मिनट हो चुके हैं और टमाटर भी देखिए बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इसमें डालती हूँ मैं गाजर। गाजर हार्ड होता है तो ये भी थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे। आप इसमें मटर, बीन्स कुछ भी डाल सकते हैं, जो आपको मनपसंद सब्जियां हैं आप वो भी डालकर बना सकते हैं। यहाँ पर 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच मिर्ची पाउडर, 1 चम्मच सब्जी मसाला, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर ये मैं डाल देती हूँ। यहाँ पर मैं मसालों को अच्छे से भूनने के लिए 1/2 कप पानी डाल देती हूँ। मैं ये पास्ता रेसिपी आज आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। मेरे बच्चे प्राय मतलब हफ्ते में 1 से 2 बार इसे बनाने को बोलते हैं और मैं बनाकर उन्हें खिलाती हूँ। मसाला अच्छी तरीके से भून चुका है, अब यहाँ पर मैं मशरूम डालूंगी। अब मशरूम और सारे मसाले अच्छे से फ्राई हो चुके हैं 3 से 4 मिनट। अब मैं पास्ता को डाल देती हूँ। यहाँ पर गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे। अब यहाँ पर मैं सारे सॉसेस डाल दूंगी। ये मैंने टमाटर सॉस डाल दिया है, ये पिज्जा पास्ता सॉस है। अगर आपके पास पिज्जा पास्ता सॉस नहीं है तो ये पूरी तरीके से ऑप्शनल है, आप टमाटो सॉस डाल के भी बना सकते हैं। केवल सेजवान सॉस ना भी डाले तो भी चलेगा, पर मैं यहाँ पर तीनों सॉस डाल रही हूँ, सेजवान, पिज्जा पास्ता सॉस और टमाटो सॉस। आपके पास अगर ये सॉसेज नहीं है तो केवल टमाटर सॉस डाल के भी बना सकते हैं। यहाँ पर मैं डाल दूंगी मेयोनीज। पर मैं चीज डाल दे रही हूँ और डालने के बाद इसको मैं ढक दूंगी थोड़ा चलाकर। यहाँ पर हरा धनिया डाल दिया। बैठ जा चुप चाप। अब इसे मैं 2 मिनट तक ढक के पकाऊंगी। जी हमारा ये चीजी मशरूम पास्ता तैयार हो चुका है। भाई साहब लाजवाब लग रहा है भाई साहब। दोस्तों बना के जरूर खाना और अच्छा लगे तो फिर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। तो आइए अब इसे प्लेट में सर्व करते हैं।